अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप फ्लेयर गन को चलाने से पहले या फिर चलाने के बाद करते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि आपको फ्लेयर गन आसानी से कहाँ मिल जाएगी, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब फ्लेयर गन मिल जाए तो उसके बाद आपको कौन सी मिस्टेक को जो नहीं करना है। पहली मिस्टेक ये रहती है, जैसे आप उतरते हैं लैंड करते हैं, जो मैंने प्लेस बताई आप वहाँ पर लैंड करेंगे, उसके बाद आपको फ्लेयर गन मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे उनके पास फ्लेयर गन आया उन्होंने शूट कर दिया। उससे होता ये है कि फ्लेयर आपका जब प्लेन आने का तभी तो टाइम हुआ नहीं है, जो आपका ओरिजिनल प्लेन आता है गेम में उसका तो अभी टाइम हुआ नहीं रहता है, और आपका जो फ्लेयर गन वाला प्लेन है वो आ जाता है। प्लेन जैसे ही रास्ते में आता है जो जो बंदे उसके नीचे रहते हैं वो सब समझ जाते हैं ये सब फ्लेयर गन वाला प्लेन है, और वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और आपको किल कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपका ओरिजिनल प्लेन आने का टाइम हो आप उसी टाइम फ्लेयर गन को शूट करिए, और शूट करने के बाद जब आपका प्लेन आएगा तो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा ये फ्लेयर गन वाला प्लेन है, और आपके पास डायरेक्ट ड्रॉप गिर जाएगा और आप उसे आराम से लेके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको AWM वगैरह सब मिलते हैं, ये सब आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ, जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। ये करते हैं कि वो जोन के बाहर निकल जाते हैं, वहाँ फ्लेयर गन चलाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे गलती करेंगे तो आपका ड्रॉप नहीं आएगा, आपको मिलेगी एक बुलेट प्रूफ UAZ, जो सिर्फ नाम की बुलेट प्रूफ है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसका डैमेज भी नॉर्मल कार का जैसा है। जैसे ही अगर 5-6 स्क्वाड मिल गया और आपको मारने लगा तो वही आपका कार जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, और उसमें आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसके अंदर गोलियां नहीं लगती हैं, लेकिन ये झूठ बात है। अगर सामने वाला बंदा 5 गोली चलाएगा तो आपको 3 गोली तो लगेगी ही लगेगी, सिर्फ 2 गोली बचेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर जोन छोटा हो जाता है तो आप उसे आगे लेके जा भी नहीं सकते, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होते। तो इसके अच्छा आप जोन के साइड में चलाएं, जोन के बीच में जाकर कोशिश करें कि ना चलाएं फ्लेयर गन, क्योंकि फ्लेयर गन बहुत दूर से नज़र आती है। यानी आप अगर स्कूल में हर कोचिंग की से अगर फ्लेयर गन चली तो आपको वहाँ से भी नज़र आएगी, तो आप समझ सकते हैं अगल बगल के हर बंदे आपके पास आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, आपको सबसे लड़ना पड़ेगा और आप किल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जोन के एकदम साइड में जाके फ्लेयर गन चलानी है, जोन के बाहर बिल्कुल भी नहीं चलानी है, और जहाँ पे आप फ्लेयर गन चला रहे हैं आप एक बात हमेशा गौर कर लें कि उसके अगल बगल कोई भी बंदे वगैरह नहीं हो। आप पहले से राउंड कर लीजिए, ये देख लीजिए इधर कि कोई बंदे कैंप करके बैठा ना हो, वरना वो आराम से आपको किल कर सकता है। दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ। ये लोग बहुत करते हैं कि जैसे मैंने फ्लेयर गन को फायर कर दिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसी पर नज़र गड़ाए हुए रखते हैं और उसी के अगल बगल घूमते रहते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लेयर गन बहुत दूर से नज़र आ जाती है, इसलिए जितने भी अगल बगल के बंदे हैं सब आपको किल करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे, और आप बेफिक्र के जैसे ऐसे ऊपर ताकेंगे और घूमते रहेंगे तो आपको कोई भी आसानी से किल कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि फ्लेयर गन के अगर जहाँ पर आपने शूट किए उसके अगल बगल वाले थोड़े से दूर घर में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ फ्लेयर गन शूट किया आपने उसके बगल में घर है तो वहाँ मत बैठिएगा जाके, क्योंकि सब बंदे को पता चल ही जाएगा कि आप वहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा दूर वाले घर में वो चल जाना है और वहाँ बैठ के आप कैंप कर सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा आएगा तो आप उसे आराम से शूट कर सकते हैं वहाँ से, और जैसे ही आपको पता चल गया कि अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा बंदे आने वाले नहीं हैं तो आप यहाँ पर आराम से जाके अपना जो ड्रॉप है उसे ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। जैसे कि आपने जॉर्ज पुल में उतरा और वहाँ पर आपको फ्लेयर गन मिल गई, तो ऐसा होता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे उतरे हैं, आपने आपके स्क्वाड उतरे हैं तो आप काफ़ी सारे बंदे को किल कर चुके हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर कोई बंदे नहीं है, तो आपको फ्लेयर गन वहीं के वहीं शूट कर देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगल बगल कोई भी बंदे नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं फ्लेयर गन जैसे उनके मिल गए जहाँ पर पूरा मार उर हुआ है वहाँ से हट के कहीं और चल जाते हैं और वहाँ फ्लेयर गन शूट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे आपने बहुत सारा मार हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, वहाँ पे अगल बगल कोई भी बंदे नहीं होंगे, काफ़ी सारे बंदे काफ़ी दूर भाग जाते हैं, इसी वजह से आपको फ्लेयर गन वहीं शूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बंदे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी सारे बंदे यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लेयर गन शूट कर देनी चाहिए। बहुत कोई लोग ऐसे करते हैं जॉर्ज पुल में उतरे, जान जोखिम में डाला, ये किया वो किया, फ्लेयर गन मिला और गाड़ी में बैठ के निकल गए कहीं और, फिर आप शूट करते तो फिर आप मर जाते क्योंकि सारे बंदे बाहर भाग जाते हैं, तो बस इसीलिए आपका ज़्यादा किल हो सकते हैं आप। दोस्तों यही रहे 4 ऐसी बड़ी मिस्टेक जो आप फ्लेयर गन को चलाने से पहले और चलाने के बाद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद होगी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो इस वीडियो को दीजिए बड़ा सा लाइक, और आप पबजी या फिर और भी गेम्स की वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए हर एक दो दिन में ऐसी न्यू और अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, टाटा गुड बाय।